खेसारी लाल यादव के गाने का वीडियो रिलीज हुआ, कसल बसाड़ी कमरिया से। अब आपने ये गाना तो सुना ही होगा क्योंकि इसका ऑडियो रिलीज बहुत दिनों पहले ही हो चुका था, जिसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और अब इसका वीडियो रिलीज हुआ है। लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर खेसारी लाल यादव ऐसे ही डायरेक्टरों के साथ, ऐसी ही टीम के साथ काम करते रह गए, उनके सूची में नई पैकेट में पुरानी चीज़ बेची जाने वाला टैग बहुत जल्दी लग जाएगा। जी हाँ, हम आपको आज जो कुछ रिवील करने वाले हैं इस गाने के बारे में, उसे देखने के बाद आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या खेसारी लाल यादव को ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए। पहले लीक करवा देते हैं और फिर बाद में वीडियो की तो इस तरह दुर्गति करते हैं मानो कि डायरेक्टर ना हुए, बहुत बड़े तुर्रम खा हो गए कि जो भी भोजपुरी में पेश करेंगे भोजपुरिया दर्शक उसे हजम कर लेगा। वो तो शुक्र मानिए खेसारी लाल यादव का इतना बड़ा स्टारडम है कि सलमान खान की तरह खेसारी भी चाहे जिस तरह काम करे, उनके फैंस उन्हें उतना ही प्यार देते हैं। तो चलिए बात को हम गोल न घुमाते हुए आपको बताते हैं क्या है माजरा। कुछ दिनों पहले खेसारी और काजल राघवानी का एक गाना रिलीज हुआ था, कमर लोड सहीना। अब आपने ये गाना तो देखा होगा, उस गाने का बैकग्राउंड और इस गाने का बैकग्राउंड मिला लीजिए, आपको ये दोनों सेम नज़र आएंगे। खैर, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप किसी शूटिंग स्पॉट को किसी और गाने के लिए यूज़ करें, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो या टेलीविज़न इंडस्ट्री, एक सेट पर कई फिल्में फिल्माई जाती हैं, कई सीरियल्स भी फिल्माए जाते हैं, लेकिन भाई कुछ तो तब्दीली की जाती है। हमारे भोजपुरिया जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इसमें तब्दीली करने की सोची भी नहीं। बता दें कि तब्दीली तो दूर की बात है, डायरेक्टर ने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए होते तो भाई इस गाने को और भी वर्सटाइल बनाया जा सकता था। जिस तरह से आजकल VFX का इस्तेमाल हो रहा है, उस हिसाब से भी अगर गाने को पिक्चराइजेशन किया गया होता तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन ये क्या भाई, काजल और खेसारी की केमिस्ट्री ने तो उस गाने, लेकिन गुंजन पंत और खेसारी की केमिस्ट्री ने इस गाने को बिल्कुल नहीं बचाया। जी हाँ, 15 घंटे में इस गाने को 1 मिलियन व्यूज़ मिले हैं, जो कि खेसारी के अमूमन किसी भी गाने के लिए बहुत कम है, क्योंकि उनका कोई भी गाना भाई इतने घंटे में तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन क्रॉस कर ही जाता है। वैसे खेसारी और गुंजन के इस गाने का जो ऑडियो रिलीज हुआ था उसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए सभी को उम्मीद थी कि इस गाने के वीडियो रिलीज़ को भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन ये रिस्पांस काफ़ी ठंडा है और इसके पीछे कारण खेसारी और गुंजन तो कतई नहीं है। भाई डायरेक्टर जो कहेगा कलाकार वही करेगा। वैसे अगर खेसारी लाल यादव और गुंजन पंत जैसे मंझे हुए कलाकारों को लेकर डायरेक्टर इतना बड़ा ब्लंडर कर सकता है, तो सोचिए अगर खेसारी की जगह कोई नया कलाकार और गुंजन की जगह कोई नई हीरोइन या मॉडल रहती तो उनका क्या हश्र होता। भाई एक ही सोफे पे आपने पूरा गाना फिल्मा लिया और आपको बोरियत भी महसूस नहीं हुई। मानना पड़ेगा डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया जी को, उन्हें जरा भी बोरियत फील नहीं हुई कि एक ही सोफे पे 10 बार एक ही जैसे सीन ले रहे हैं और गाना फिल्मा रहे हैं। गाना भी फिल्मा रहे हैं तो भाई VFX का तो इस्तेमाल कर लिया होता। खैर, अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं, ऑडियो रिलीज ही रहने दिया होता, खेसारी और गुंजन की इतनी बड़ी बेइज्जती तो ना होती। अगर इस गाने के वीडियो की बात करें तो भाई सिर्फ इसे 5 में से 1.5 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि 1.5 मार्क्स सिर्फ खेसारी और गुंजन के लिए हैं और डायरेक्टर के हिसाब से तो नील बटा सन्नाटा ही है, क्योंकि इसमें डायरेक्टर का कोई रोल ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर साहब ने अपने स्पॉट बॉय को कह दिया है, भाई जरा तू काम देख ले, मैं जरा अपना दूसरा काम निपटा कर आता हूँ। खेसारी
खेसारीलाल यादव को ये वीडियो देखने के बाद इसके बाद ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई अब मुझे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम करना है या नहीं। क्योंकि अगर बात कर ले खेसारी के पहले वाले गाने जिसमें काजल राघवानी और खुद खेसारी लाल यादव हैं, तो आप वहाँ भी देखेंगे एक सोफ़ा है और उस सोफ़े पे पूरा गाना फिल्माया गया है। हाँ, थोड़ा बहुत सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन डायरेक्टर साहब इतने आलसी हैं कि गुंजन पंत और खेसारी वाले गाने में तो उन्होंने सीढ़ियों तक भी कैमरा घुमाने की नहीं सोची। खैर, वो अपने तो आराम करते रहे, साथ ही साथ अपनी पूरी यूनिट को भी आराम करवाया। न एडिटर को ज़्यादा काम करना पड़ा होगा, न कैमरामैन को। कैमरामैन ने तो एक ही जगह फ्रेम फिक्स कर दिया और खेसारी और गुंजन नाच कर चले गए। भाई, एडिटर को क्या है, जिस तरह के उसे चीज़ें मिलेंगी एडिट भी वो इसी हिसाब से करेगा। भाई, आप समझ चुके होंगे कि हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं, कि खेसारी लाल यादव को जीतू भोजपुरिया जैसे डायरेक्टरों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।